सो वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रोमियर एंड कैनेटोगोर। चलिए तो इस पर एक अच्छा सा डिटेल डिस्कशन करते हैं, साथ में करेंगे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ओके सो चलो पहले देखते हैं कि क्या क्या टर्म्स आज हम यूज करने वाले हैं। ओके सो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, हैंडराइटिंग को माइंड मत करना, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, ओके सेंट्रोमियर काइनेटोबोर एंड सैटेलाइट। ओके चलिए सो ये हमारे आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन होंगे, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, सेंट्रोमियर, काइनेटोर एंड सैटेलाइट। ओके तो चलिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करते हैं। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन हम बोलते हैं कि ये अगर हमारा क्रोमोसोम है ना, तो ये जो यहाँ पे हाईली कंडेंस्ड और कॉम्पैक्ट जो रीजन है, इसको हम बोलते हैं हमारा प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। और इसी प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन को बोला जाता है सेंट्रोमियर। ठीक है ठीक है। सो ये क्या काम करता है, क्रोमोसोम को बीच में से सेंटर में से बांधने का काम करता है ना। कैसा दिखने लगता है क्रोमोसोम, देखो क्या काफी कॉम्पैक्ट और कंडेंस्ड हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होती है। यहां पर क्या मिलेगा आपको, हेटेरोक्रोमैटिन मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, हेटेरोक्रोमैटिन। ये क्या होता है, यहाँ पे जो डीएनए होता है आपका वो क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव डीएनए होता है। ठीक है सो ये हमारा प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन हो गया। कंस्ट्रिक्शन मतलब कि काफी कॉम्पैक्ट डीएनए का रीजन है यहाँ पर। ठीक है, उसने एक कंस्ट्रिक्शन बना लिया जिसको हम सेंट्रोमियर बोल रहे हैं, है ना। तो सेंट्रोमियर से क्या अटैच्ड होते हैं हमारे, चलो पहले कंस्ट्रिक्शन की ही बात कर लेते हैं। सेकेंड कंस्ट्रिक्शन हमें मिलता है यहाँ पर, ठीक है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। अच्छा सो अगर कोई भी हमारे पास कोई भी एक बॉल हो, आपके पास कैसी बॉल, कुछ भी ऊन का गोला या कुछ भी, अगर उसको किसी चीज़ से रबर बैंड से बांध दें तो एक बल्ब जैसा निकल आता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर हम ऐसे क्रोमोसोम को बांध देंगे, अगर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अगर हम देखें इसके बाद कैसा दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा ऐसा दिखेगा। मैं बताती हूँ आपको कैसा दिखेगा, अगर हम दिखाएं कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है। पहले मैं आपके लिए बना देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। सो ये जो ये वाला रीजन है, ये जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पर, दिस इज योर सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन और इसको बोलते हैं जो ऊपर बल्ज आउट हो गया है, दिस इज योर सैटेलाइट। ओके अब समझ आ रहा है आपको। सो जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर है, मान लो क्रोमोसोम का है ये, और इसको मैं यहाँ से अगर किसी वायर से बांध दूँ, ऐसे कंडेंस्ड हो जाए ये पोर्शन बीच वाला नीचे वाला। सो ये जो ऊपर बल्जिंग पोर्शन है ये आपकी सैटेलाइट हो गई, और जहाँ से ये कंडेंस्ड हो रहा है ये आपका सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है। सेंट्रोमियर को छोड़कर, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन को छोड़कर, पूरे क्रोमोसोम में जहाँ भी कोई कंस्ट्रिक्शन होगा वो आपका सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन होगा। ठीक है, तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि आपका क्रोमोसोम और यहाँ से ये कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंसेज हैं जो आपस में काफ़ी कॉम्पैक्ट हो जा रही हैं, और कॉम्पैक्ट हो गई तो क्या बना रही है, ऊपर एक सैटेलाइट जैसा दिखेगा। ठीक है, अच्छा ये भी हाईली रेपिटेटिव सीक्वेंसेज हैं, यहाँ पर भी हाईली रेपिटेटिव सीक्वेंसेज हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर भी क्या, ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, कोई ये कोडिंग नहीं करता है, ना ही यहाँ पर कोई डीएनए कोडिंग होती है। यहाँ पे क्या होता है, क्या काम करते हैं ये, यहाँ से क्या होता है, कुछ कोडिंग नहीं होगी, यहाँ से आपका बनेगा नॉन कोडिंग डीएनए है, ये नॉन कोडिंग डीएनए है, ये बनाता है आपका नॉन कोडिंग आरएनए बनाएगा बस। नॉन कोडिंग आरएनए कौन से होते हैं आपका, ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, है ना, ऐसे एक्सेट्रा। ओके ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया हो गया है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन का, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन का। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन को हम सेंट्रोमियर भी बोलते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के बाद जो ऊपर बल्जिंग आउट है उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और सेंट्रोमियर के साथ क्या अटैच होता है आपका, डिस्क शेप्ड। यहाँ पर अगर हम बनाएं,
सो यहाँ पर आपके काइनेटोकोर अटैच्ड होते हैं, आपके डिस्क शेप प्रोटीन स्ट्रक्चर, डीएनए प्लस प्रोटीन स्ट्रक्चर. अच्छा तो इनका नेचर कैसा है? सेंट्रोमियर भी डीएनए से और प्रोटीन से बना है, और प्लस आपका काइनेटोकोर भी डीएनए प्लस प्रोटीन से बना है. ठीक है, सो इनके फंक्शंस अभी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर से कुछ कुछ चीजें समझ आ गई होंगी. चलिए तो हम हमारी पीपीटी देखते हैं. ओके देखिए, तो यहाँ पे सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर को अच्छे से डिफाइन किया गया है प्रॉपरली आपकी एनसीईआरटी से ही. ओके तो चलिए देखिए क्या बोल रहे हैं कि एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली डिवाइडिंग सेल्स है ना, एसेंशियली हैज अ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर. राइट, तो सेंट्रोमियर है क्या? आर द स्पेसिफिक क्रोमोसोमल रीजंस दैट सर्व एज द प्लेटफॉर्म. किस चीज का प्लेटफॉर्म है? यहाँ पे काइनेटोकोर आके असेंबल करते हैं और बाइंडिंग साइट्स होती हैं. ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो आपको आपकी एनसीईआरटी में से डायग्राम लिया गया, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है क्रोमोसोम है और ये बीच में आपका सेंटर में सेंट्रोमियर है, और इसी सेंट्रोमियर से यहाँ पे आके आपके काइनेटोकोर अटैच होंगे. और ये काइनेटोकोर का फंक्शन क्या है वो देखते हैं अभी. ठीक है, तो सेंट्रोमियर का फंक्शन क्या होता है? सेंट्रोमियर का फंक्शन क्या होता है? इट होल्ड्स टू क्रोमैटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम है ना, दो क्रोमैटिड्स हैं, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स, उनको बीच में क्या करते हैं? होल्ड करके रखते हैं ना, जैसे आपको यहाँ पे विजिबल होगा. ओके, सो सेंट्रोमियर दो टाइप के होते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है बट स्टिल वी विल डिस्कस इट, मोनोसेंट्रिक एंड होलोसेंट्रिक. सो जो हम जो स्टडी कर रहे हैं, जो हमने एनसीईआरटी में देख रहे हैं, हम देख रहे हैं मोनोसेंट्रिक देख रहे हैं कि सेंटर में ही सिर्फ आपका सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, तो उनको मोनोसेंट्रिक बोलेंगे. और होलोसेंट्रिक मीन्स कि पूरे क्रोमोसोम पर, देखिए जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है रीजन, ये वाला होलोसेंट्रिक क्रोमोसोम. ओके, सो सेंट्रोमियर हैज, ये हमने डिस्कस किया था कि हाईली स्पेशलाइज्ड रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस. ओके, और आपकी एनसीईआरटी में क्या दिया है कि बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ योर सेंट्रोमियर, तो सेंट्रो योर क्रोमोसोम्स आर डिवाइडेड इनटू मेटासेंट्रिक मेनी काइंड्स, लाइक सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक है ना. देखिए ये हो गया आपका मेटासेंट्रिक, एकदम सेंटर में जो आपका सेंट्रोमियर बन रहा है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के एकदम सेंटर में, तो वो मेटासेंट्रिक है. उससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो अनइक्वल आर्म्स मिलेंगी आपको, है ना, आपको मिलेंगी अनइक्वल आर्म्स. तो ये बन गया आपका सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, और एकदम ही अगर एंड पे कंस्ट्रक्शन है, ये जो एंड पे है, तो ये बन जाएगा आपका शॉर्ट आर्म प्लस आपकी लॉन्ग आर्म, ये बन रहा है आपका टीलोसेंट्रिक. राइट, सो सेंट्रोमियर का काम क्या है? क्रोमोसोम को बीच में से होल्ड करके रखना, बाइंड करके रखना, प्लस साथ में सेंट्रोमियर ही वो लोकेशन है, वो पोजीशन है जहां पर आपके काइनेटोकोर अटैच होते हैं. और काइनेटोकोर का क्या फंक्शन है वो हम ही देखते हैं. ठीक है, सो ऑन द साइड्स ऑफ सेंट्रोमियर डिस्क शेप्ड, अगर शेप की बात की जाए तो डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर बोलते हैं. क्या होते हैं ये? मैक्रोमोलिक्यूलर प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, ओके, दैट गवर्न क्रोमोसोम मूवमेंट बाय बाइंडिंग स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस. सो ये जो स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे लास्ट वीडियोज में, जब हमने क्या किया था, हमने सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल पे शायद डिस्कशन किया था, तो हमने ये डिस्कस किया था कि काइनेटोकोर पे आके क्या अटैच होते हैं, आपके स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, और वो क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स को, सेपरेट करते हैं एनाफेज स्टेज में. ओके, सो फ्यू क्रोमोसोम, ओके ये हम डिस्कस करते हैं, अ फ्यू क्रोमोसोम हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस एट अ कॉन्स्टेंट लोकेशन, दिस गिव्स द अपियरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड सैटेलाइट. जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर एक सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन ऊपर बन जा रहा है ना, दिस इज योर सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन यहाँ पर, और ये जो बल्ब सा निकल रहा है ना, ये आपकी सैटेलाइट है ना, दिस इज योर सैटेलाइट. और सैटेलाइट का फंक्शन क्या है? सैटेलाइट क्या आपके ट्रांसफर आरएनए और आपके राइबोसोमल आरएनए इनको ट्रांसक्राइब करती है. राइट, ठीक है, सो ये इसको नॉन स्टेनिंग बोल रहा है. इसका आंसर भी मैं आपको बता ही चुकी हूँ, नॉन स्टेनिंग क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर इस रीजन में जो डीएनए है वो नॉन कोडिंग है, नॉन कोडिंग है, वो कोई प्रोटीन की कोडिंग नहीं कर रहा है. ठीक है ना. ओके चलो कुछ क्वेश्चंस ट्राई करें हम. सो क्वेश्चंस कर सकते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन इज कि सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन इज, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन क्या है? इट इज अ नॉन स्टेनिंग रीजन ऑफ क्रोमोसोम. ओके अभी तक तो सही लग रहा है यही. सेकेंड इज ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रोमियर. नो, सेंट्रोमियर इज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, प्राइमरी है ना, फाउंड इन ऑल क्रोमोसोम्स ये भी नहीं, कुछ क्रोमोसोम्स में पाया जाता है, एंड सीन इन ह्यूमन्स ओनली ये भी सही नहीं है. हम नहीं बोल सकते कि किस में मिल रहा है ना, हमारी एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन्स में मिल रहा है. राइट, सो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन इज नॉन स्टेनिंग रीजन ऑफ क्रोमोसोम. ओके सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे.
द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम बियॉन्ड सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन इज नोन एज. सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के बियॉन्ड जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, ना? सो ये जो आपका सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर जो ये पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेटेलाइट. ना तो ये क्रोमोमेयर है, ना ये काइनेटोकोर है, ना ये सेंट्रोमेयर. दिस इज योर सेटेलाइट. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वेट अ मिनट. ओके काइनेटोकोर इज एसोसिएटेड विथ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, सेटेलाइट और मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट. सो सेटेलाइट से तो काइनेटोकोर आके अटैच होंगे नहीं, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन से भी नहीं होंगे, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन से होते हैं. बहुत ही ईजी और एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, है ना. अच्छा लास्ट में ये पूछा कि काइनेटोकोर है क्या. इट इज नॉट विजिबल इन डिवाइडिंग सेल. सेकेंड इज इट इज ऑल्सो कोल्ड द प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन. नो. इट इज अ प्रोटीनेशियस डिस्क शेप. यस डिस्क शेप स्ट्रक्चर है ऑन द साइड्स ऑफ सेंट्रोमियर. ट्रू. होल्ड्स टू क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम. नो. वो किसका काम है, सेंट्रोमियर का. तो क्रोमोसोम से सेंट्रोमियर होता है और सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं आपके डिस्क शेप्ड काइनेटोकोर. ओके सो ये हमने कुछ 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं तो आपको शायद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. अगर आपको और सेम इसी टॉपिक पे क्वेश्चंस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी. अगर आपको और भी एकदम क्वालिटी क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमारे टारगेट बैच पर जाके ट्राई कर सकते हैं. वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे कंटेंट मिलेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक मिलेगा. सो लिंक आपको मिलेगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. वहाँ पे आपको लिंक पर जाइए, टारगेट बैच को देखिए, उसमें कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं. ट्रस्ट मी आपको मज़ा आ जाएगा क्वेश्चंस करके. ठीक है सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ और अच्छी वीडियोज़ के साथ. थैंक यू सो मच.